जो घर का निजाम वजूद में आया उसके बारे में फरमाया कि अर्रिजाल कवामून अलल निसा, और इसका तर्जुमा सही तरीन यह होगा कि मर्द औरतों पर हाकिम है, इसलिए कि कामा के बाद जब आला का सीगा आ जाता उस पर खड़े हैं, कायम है, कव्वाम है, वो तो मुबालगे का सीगा है, कायम से खड़ा होने वाला, कव्वाम बहुत कुव्वत के साथ खड़ा होने वाला, और फिर आला का जब आ जाएगा सिला तो कव्वामून अलल निसा, मालूम यह हुआ कि मर्द औरतों पर हाकिम है। किस मानी में कि खानदान का यह मुख्तसर सा इदारा जो है इसमें बहरहाल सरबराही जो है वो मर्द के पास है, औरत को आप वजीर कह लें कि उस घर के अंदर वजीर की हैसियत उसकी है, पूरा जो है औलाद है उसमें जाहिर बात है कि वालिदैन होने के एतबार से औलाद के जिम्मे है कि दोनों का अदब करें, दोनों का एहतराम करें, बल्कि इस एतबार से मैं एक बात अभी अर्ज करूंगा कि वो जो कसर का जबर है उसमें शरीयत ने औरत का हक ज्यादा कर दिया, जहां कानूनी तौर पर कमी रखी कि मर्द को तलाक का इख्तियार है औरत को नहीं, खानदान की सरबराही मर्द की है औरत की नहीं, वहां अब इस तलाफी जो की गई है, इस कसर का जबर जो किया गया है वो इस वालिदैन के हुकूक में से मसलन कुरान मजीद में अगरचे मुतअद्दिद मकामात पर, चार मकामात मेरे सामने मौजूद हैं इस वक्त जिनमें अल्लाह ताला के हक के फौरन बाद वालिदैन के हक का जिक्र, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह वबिल वालिदैन एहसान, लेकिन दो मकामात ऐसे हैं कि जिनमें तौर पर माओ का जिक्र किया गया है, हमलत हो महू वहनन अला वहनिम व फिसालहू फी आमैन अनिश्कुरली वले वालिदैक, और इसी की वजाहत हमें मिल गई हदीस नबवी में कि हुजूर से एक सहाबी ने पूछा कि मेरे हुस्न सलूक का सबसे बढ़कर मुस्तहिक कौन है, आपने फरमाया तुम्हारी वालिदा, के बाद कौन, फिर फरमाया तुम्हारी वालिदा, तीसरी मरतबा पूछा फिर कौन, फिर फरमाया तुम्हारी वालिदा, चौथी मरतबा पूछने पर फरमाया कि तुम्हारे वालिद, मालूम यह हुआ कि तीन गुना हक है मां का बाप के मुकाबले में, अदब एहतराम और इस दिलजोई, इसके एतबार से गोया के ये वो कसर का जब हो रहा है कि कानूनी एतबार से अगर वहां कोई कमी थी तो इस एतबार से उसकी तलाशी कर, यही वजह है कि आप देखते हैं कि हदीस नबवी में अला साहिब सलात व सलाम बाप के कदमों तले जन्नत का तस्करा नहीं है, अल जन्नत व तहता अकदामिल उम्महात, जन्नत जो है वो माओ के कदमों तले है, इसको भी आप उसी के हवाले से समझ लीजिए, ये वही तवाज़ुन पैदा किया जा रहा है, इसी तवाज़ुन की एक और शक्ल है कि बेटों की परवरिश पर किसी अजर व सवाब का कोई खास तस्करा नहीं है, ये तो ठीक है एक इंसान अपनी औलाद को यह समझता है कि अल्लाह की अता है, अल्लाह की दी हुई चीज है, और इसका जो भी हक मुझे इसके के लिए पालने के लिए पोसने के लिए इसकी जरूरियात पूरी करने के लिए, वो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसके लिए वो भाग दौड़ करता है ये समझकर कि अल्लाह की तरफ से मुझ पर जिम्मेदारी आयद की गई है, तो खा वो बेटा हो खा बेटी हो दोनों के एतबार से अजर मिलेगा इंसान को। वैसे ये कि तभी मोहब्बत के तहत तो जानवर भी अपने औलाद की परवरिश करते हैं और खबरगीरी कुछ करते हैं, इंसान में वो अल्लाह ताला ने बहुत ही ज्यादा मादा रख दिया है, लेकिन ये है कि इसमें अगर इंसान ये समझ कर रहा हो कि ये दर हकीकत अल्लाह की आयद शुदा फर्ज है मुझ पर जो मैं अदा कर रहा हूं, ये अल्लाह की अमानत है मेरे पास, यही वजह है कि जो औलाद बचपन में फौत हो जाती है उसकी नमाज जो आप पढ़ते हैं, दुआए जनाजा जो उसमें मांगते हैं, उसमें क्या है, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फुरतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुखरन वजअलहु लना शाफ़ियन मुशफ़ा, परवरदिगार ये बच्चा तूने मुझे दिया था, तेरी अमानत थी, मैंने जो मेहनत की है, पाला पोसा, हमने जो भी इस पर मुशक्कत झेली है, परवरदिगार तू इसको हमारे लिए आखिरत में जखीरा बना दे, अजर का जरिया बना दे, मालूम यह हुआ कि चूंकि तेरी शय समझ कर हमने ये काम किया, अगर तभी मोहब्बत के तहत हो तो फिर तो अजर आप उसके पर क्लेम कर ही नहीं सकते, तो इस एतबार से तो लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है, लेकिन यह कि आगे चलकर सारी अहादीस के अंदर लड़कियों के पालने पोसने के बारे में है, कहीं है कि जिसने दो बच्चियों को भी बड़ी यानी दिली मोहब्बत पाला पोसा परवान चढ़ाया तादीब और तालीम दी और तो उन, और वो उनको वो जवान हुई दोनों, उसके लिए ओट बन जाएंगी कयामत के दिन के जहन्नम में नहीं जाने देंगी, सित्रुम मिनन नार, ओट और पर्दा बन जाएंगी जहन्नम से,
और बाज रिवायात में तो एक बच्ची के बारे में भी ये मौजूद है। तो मालूम यह हुआ कि एक है कानूनी निजाम, एक है ये अखलाकी निजाम। कानूनी निजाम में वो क्यों फर्क रखा गया, वो भी बड़ी ही सीधी सी बात है, मंतकी सी बात है। अगर आदमी जिद पर, ढिटाई पर न उतर आए तो अक्ल सलीम इसे कबूल करेगी। और वो ये है कि किसी भी इदारे के दो सरबराह बिल्कुल मसावी इख्तियारात वाले नहीं हो सकते। अगर होंगे वो इदारा जो है उसमें फसाद पैदा हो जाएगा, बद इंतजामी होगी, हंगामा होगा, नज़्म कायम रह ही नहीं सकता कि दो सरबराह हो गए। तो इसीलिए आप मैनेजिंग डायरेक्टर किसी लिमिटेड कंपनी में एक ही पाएंगे, डायरेक्टर 50 बना लीजिए आप। इसी तरीके से महकमे हैं तो उनमें डायरेक्टर ऊपर एक होगा, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, जितने चाहे बना ले। लेकिन ये पर जाकर अगर एक सरबराह, एक की मर्जी, एक की सवाबदीद, एक की जो भी तरजीहात हैं, अगर